सुशांत सिंह राजपूत के केस में शौविक चक्रवर्ती का नाम एक ड्रग पेडलर ले गया है। जी हाँ, और उस ड्रग पेडलर के साथ क्या कुछ बातचीत हुई है शौविक की, ये सुनकर आप डेफिनेटली हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बताती हूँ आपको। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि शौविक चक्रवर्ती के जरिए सीबीआई ने उनके व्हाट्सएप चैट्स जो है वो खंगाले, और व्हाट्सएप चैट्स को खंगालने के बाद क्या कुछ निकल कर आया है वो बताती हूँ। शौविक जो है वो किसी दूसरे ड्रग पेडलर से बात कर रहे हो और उस चैट में उन्होंने डैड का इस्तेमाल किया है। जी मैं आपको बता दूं कि शौविक ने लिखा है सामने से दैट द की डैड की जो ड्रग्स है वो खत्म हो गई है एंड आई डिड नॉट नो दैट इट वाज ओवर, इस तरह की बात कही है। अब यहां पर ये बात कंफर्म नहीं है कि वो जो डैड की बात कर रहे हैं वो अपने रियल डैड इंद्रजीत चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं या फिर ये DAD कोई कोड लैंग्वेज है किसी और को रेफर करने के लिए। बट शौविक चक्रवर्ती ने इस तरह की बात कही है और सामने से ड्रग पेडलर ने भी रिस्पॉन्ड बैक किया है और उन्होंने लिखा है दैट जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा पहुँचाने की एंड पिछले से बेहतर माल एंड पिछला जैसा एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सो इस तरीके की चैट्स जो हैं वो सामने आई हैं। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, सिर्फ शौविक पर नहीं, ड्रग पेडलर पर नहीं, बल्कि एक पूरे सर्कमस्टांसिस पर, कि अगर ये रियल डैड की बात हो रही है तो फिर उनके डैड भी ड्रग्स लेते थे, और इस तरीके से एक पूरा एंगल समझ में आएगा चीज़ों का। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।